बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिसके पास ट्रैफिक यानी के ऑडियंस मौजूद है, लोग मौजूद हैं, वो चाहे सीपीए मार्केटिंग कर ले लाखों रुपया कमाएगा, चाहे वो एफिलिएट मार्केटिंग कर ले तो लाखों का कमीशन कमा सकेगा, और अगर ब्लॉगर के ऊपर ब्लॉग बना के एड्स तरह से एड्स लगा दे तो भी लाखों रुपया कमा सकता है जिस बंदे के पास ऑडियंस यानी लोग मौजूद हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त ट्रैफिक सोर्स बताऊंगा जिसको यूज करके अगर आप पोस्ट करते हैं तो आपको लाखों की ट्रैफिक मिलेगी। और दूसरी उससे भी जबरदस्त बात यह है कि आपको उस वेबसाइट के ऊपर टारगेटेड ट्रैफिक मिलेगी, यानी कि आप लोकेशन सिलेक्ट करके किसी भी मखसूस कंट्री की ट्रैफिक ले सकते हैं और वो भी लाखों में। वो कौन सी वेबसाइट है और उसकी ट्रैफिक आपको कैसे हासिल करनी है और कैसे उस ट्रैफिक को मोनेटाइज करके आपने लाखों रुपया अपने मोबाइल फोन से कमाना है, सारी की सारी तफसील जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से एंड तक बगैर स्किप किए हुए लाजमी देख ले। मेरा नाम है मोहम्मद समीर रमजान और आप देख रहे हैं द रेडियो टीवी। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं एज यूजुअल कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आपको इस वीडियो को एक लाइक लाजमी करना है, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी लाजमी करना है, मेरी सपोर्ट और अपने इल्म में इजाफे के लिए मेरे इस चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अब आप मोबाइल फोन यूज करें या कंप्यूटर यूज करें, आप सीपीए ग्रिप के ऊपर आ सकते हैं। यहां से आप अपना अकाउंट बना के कोई भी ऑफर यहां से लेके उसको आप उसी ट्रैफिक को यूज करते हुए प्रमोट कर सकते हैं और डॉलर में अर्निंग कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप एड्स टेरा के ऊपर आ जाए और यहां पर आप अपना अकाउंट बनाए, ब्लॉगर के ऊपर जाके अपना एक ब्लॉग बनाए, वहां पोस्ट करें और उस ब्लॉगर की वेबसाइट को एड्स टेरा के अंदर एड करके आप एड्स टेरा से एड्स लेके वहां पर आ सकते हैं और आप उसी ट्रैफिक सोर्स को यूज करते हुए एड्स टेरा के एड्स दिखा सकते हैं लोगों को और डॉलर में अर्निंग कर सकते हैं। और उसके अलावा तीसरा तरीकाकार है एफिलिएट मार्केटिंग का, डिजिस्टोर 24, जेवीजू, वॉरियर प्लस और उसके अलावा बहुत सी एफिलिएट की वेबसाइट्स मौजूद हैं जिनके ऊपर आप अपना अकाउंट बना के किसी भी एफिलिएट प्रोडक्ट का लिंक ले सकते हैं और आप उसी ट्रैफिक सोर्स को यूज करते हुए किसी भी कंट्री के अंदर अपनी उस एफिलिएट प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं और डॉलर में अर्निंग कर सकते हैं। आज की इस वीडियो की एग्जांपल के लिए आपको मैं डिजिस्टोर 24 से एक प्रोडक्ट उठा के उसको प्रमोट करना सिखाऊंगा उसी ट्रैफिक सोर्स के ऊपर, जिस ट्रैफिक सोर्स के बारे में मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में बता चुका हूं कि वहां पे आप टारगेटेड ट्रैफिक ले सकते हैं, किसी भी कंट्री की आप ट्रैफिक ले सकेंगे और लाखों में ट्रैफिक होगी। ट्रैफिक सोर्स वाली वेबसाइट का नाम है क्लैज। आपने गूगल के ऊपर आना है, यहां पे आके आपने टाइप करना है CLAZ। आपके सामने जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो ये देखें यहां पे claz.org ये वेबसाइट है, आपने इसको ओपन कर लेना है। ये देखें इस तरह का इसका लॉगो है और ये देखें claz.org। आपने इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है और इस वेबसाइट के ऊपर आप फ्री ऑफ कॉस्ट एड पोस्ट कर सकते हैं और मुकम्मल जबरदस्त वेबसाइट है। इसके अंदर हजारों कैटेगरीज हैं और इसके अंदर आप लोकेशंस देख सकते हैं कि आप यूएस की या यूके की, जर्मनी की, फ्रांस की, किसी भी प्रीमियम कंट्री की लोकेशन यहां पे सिलेक्ट करके उस लोकेशन की ट्रैफिक जो है उसको हासिल कर सकेंगे। अब यहां पे इस वेबसाइट के ऊपर आते ही आपको अपना अकाउंट बना लेना है। सिंपली आप यहां देखें यहां पे राइट साइड के ऊपर आपके पास लॉगिन का ये बटन है, आपने इसको क्लिक करना है और आप यहां इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहां पे आपके पास ये देखें गूगल वाला बटन है या फेसबुक से या गूगल से आप यहां पे लॉग इन कर सकते हैं। गूगल के इस बटन को क्लिक करके आप अपने जीमेल की आईडी यहां पे सिलेक्ट करेंगे और आपका अकाउंट इस वेबसाइट के ऊपर बन जाएगा और आप यहां पे इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहां पे आते ही आपने सबसे पहले ये देखें माई अकाउंट वाला ये बटन क्लिक करना है और आपने यहां पे इस पेज के ऊपर आ जाना है जहां पे आपने यहां पे अपना एक आइकॉन, अपनी एक प्रोफाइल पिक्चर लाजमी लगा लेनी है और आपने अपनी प्रोफाइल को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है, जिसके अंदर आप यहां पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी लगा सकते हैं। और उसके बाद यहां पे नीचे आपने लोकेशन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर आप यहां पे यूनाइटेड स्टेट्स लिखेंगे या आप यूके लिख सकते हैं, जर्मनी लिख सकते हैं, किसी भी टारगेटेड कंट्री को आप यहां पे लिख सकते हैं जिस कंट्री के अंदर आपने एड्स पोस्ट करनी है। मैं यहां पे यूनाइटेड स्टेट्स लिख लेता हूं। लोकेशन वाली इस जगह के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स लिखने के बाद आप जो है यहां पे नीचे फोन नंबर पूछ रहा है उसको आपने छोड़ देना है। सेव के इस बटन को क्लिक करेंगे या आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे और भी तफसील आपसे मांग रहा है, अपना बायो वगैरह, इंटर वगैरह आप यहां पे अपने हिसाब से लिख लेंगे और इसको सेव कर देंगे। अब यहां पे आपको एड पोस्ट करनी है अपने एफिलिएट लिंक के हिसाब से या एड्स टेरा के हिसाब से या सीपीए ग्रिप की किसी ऑफर के हिसाब से, लेकिन हम एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए एफिलिएट प्रोडक्ट के लिंक को यहां पे
प्रमोट करेंगे। उसके लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा, पोस्ट एड के इस बटन को आपको क्लिक कर देना है, जिसके बाद आप यहां पे इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहां पे आपको अपना एक टाइटल और अपनी डिस्क्रिप्शन यहां पे लिखनी है, जिसके लिए आप क्या करेंगे कि आप सबसे पहले अपनी प्रोडक्ट के ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि हम यहां पे एफिलिएट प्रोडक्ट का लिंक जो है उसको प्रमोट करेंगे। सिंपली हम डिजिस्टोर 24 के ऊपर आ चुके हैं, और अगर आप भी डिजिस्टोर 24 को यूज करते हैं और यहां से किसी एफिलिएट प्रोडक्ट के लिंक को प्रमोट करते हैं, तो आपको डिजिस्टोर 24 से ही कमीशन मिलेगा और आपका बैलेंस यहां पे शो होगा और आप यहां से पैसे बैंक के थ्रू ले सकते हैं। इस वेबसाइट के ऊपर अगर आपको अपना अकाउंट बनाना नहीं आता और आपको नहीं पता कि आपने यहां पे पेमेंट मेथड के तौर पे अपना बैंक अकाउंट कैसे सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए आप मेरी पिछली सबका वीडियोस को देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बहुत दफा इसके ऊपर अपना अकाउंट बनाना भी सिखाया हुआ है और बैंक को कैसे यहां पे अटैच करना है वो भी बताया हुआ है। अब आपको सिंपली यहां पे आके मार्केट प्लेस के इस बटन को यहां से क्लिक करना है, जिसके बाद आप यहां पे इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहां पे लेफ्ट साइड के ऊपर बहुत सी कैटेगरीज हैं, आप यहां पे किसी भी कैटेगरी को ओपन करके उसके अंदर से कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। यहां पे जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी हम यूज करेंगे, लेकिन हम इस कैटेगरी को सिलेक्ट नहीं करेंगे। यहां पे ऊपर सर्च बार है, यहां पे भी आप किसी भी की प्रोडक्ट लिख के सर्च कर सकते हैं। आपके लिए एक प्रोडक्ट ढूंढ के रखी है जो कि जॉब्स के रिलेटेड है, और हम जो है यहां से उस प्रोडक्ट को उठाएंगे और हम जॉब्स के रिलेटेड ही एड बनाएंगे वहां पे class.org के ऊपर। यहां पे सर्च बार के अंदर आपको आके एंटर करना है सोशल मीडिया फ्रीलांस जॉब्स, तो आपके सामने ये प्रोडक्ट आ जाएगी। ये देखें, आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है इसके ऊपर लिखा हुआ है गेट पेड डूइंग सिंपल टास्क, यानी कि ये एक जॉब के मुतालिक वेबसाइट है। जो बंदा भी यहां पे इस वेबसाइट के ऊपर जाके आपके थ्रू रजिस्टर करता है तो आपको $11.61 मिलते हैं, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 3000 रुपया बनता है। और आप अगर सेल्स पेज के इस बटन को क्लिक करेंगे तो आप यहां इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे, इसके सेल पेज के ऊपर आ जाएंगे। ये देखिए, यहां पे कोई बंदा आके अगर स्टार्ट नाउ के इस बटन को क्लिक करता है तो वो यहां पे इस वेबसाइट के ऊपर जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, और वो बंदा जॉब के लिए अप्लाई करेगा आपके लिंक को क्लिक करके, और आपको $11.61 जो है वो मिलेंगे एक बंदे के उस वेबसाइट को ज्वाइन करने पर। और उसके अलावा एफिलिएट सपोर्ट पेज के इस बटन को क्लिक करते हैं तो हम यहां पे इस पेज के ऊपर आ जाते हैं, जहां पे आपके लिए ये देखिए प्रमोशनल ईमेल स्वाइप्स मौजूद हैं, यानी कि आपके पास ये लिखा लिखाया कंटेंट मौजूद है जिसको आप इसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए यूज कर सकते हैं। देखें, दूसरी ईमेल भी यहां पे मौजूद है, सब्जेक्ट भी ऊपर लिखा हुआ है और नीचे मुकम्मल ईमेल भी लिखी हुई है। आपके पास दो ईमेल्स हैं, आप किसी भी ईमेल को यहां से यूज कर सकते हैं। अब आपको अपनी class.org वाली वेबसाइट के ऊपर जाना है और वहां आपको एड जो है वो पोस्ट करना है, जिसके लिए आप सबसे पहले ये देखें यहां से इस जो है सब्जेक्ट को यहां से कॉपी कर सकते हैं अपने टाइटल को, या आपके पास ये जो ऊपर वाली पहली ईमेल है इसका आप जो है यहां से टाइटल कॉपी कर सकते हैं। ये देखें, हमने यहां से इसका टाइटल कॉपी कर लिया। अब हम चलते हैं class.org के ऊपर जहां पे हम एड बना रहे थे। ये देखें, यहां पे टाइटल वाली जगह के ऊपर आपको अपना वही ईमेल वाला टाइटल जो है उसको पेस्ट कर देना है, और उसके बाद जो है आपके पास नीचे डिस्क्रिप्शन लिखने की जो जगह है इसके लिए आप क्या करेंगे, दोबारा आप उसी प्रोडक्ट के एफिलिएट सपोर्ट पेज के ऊपर आएंगे। ये देखें, यहां पे जो मुकम्मल ईमेल थी आपने इसको यहां से कॉपी कर लेना है। दोबारा class.org के ऊपर आए और यहां पे लाके आप डिस्क्रिप्शन वाले इस बॉक्स के अंदर इसको ईमेल को पेस्ट कर दें, और यहां पे एंड में आपको अपना एफिलिएट लिंक यहां पे पेस्ट करना है, जिसके लिए आप क्या करेंगे, दोबारा डिजिस्टोर 24 के ऊपर आएंगे। देखिए, अपनी प्रोडक्ट के ऊपर यहां पे आपके पास ये देखें प्रमोट लिंक का ये बटन होता है, आपने इसको क्लिक करना है। ये आपका लिंक है, आपने इसको यहां से इस बटन को क्लिक करके कॉपी कर लेना है। आपका लिंक कॉपी हो गया है, उसके बाद आपने इसको डायरेक्ट ही वहां पे class.org के ऊपर नहीं लगा देना, आपको आना पड़ेगा bitly.com के ऊपर। लोग कहते हैं कि bitly.com हमसे ओपन नहीं हो रहा या हमारा अकाउंट नहीं बन रहा, आप सिंपली शॉर्टन URL के ऊपर जा सकते हैं, tinyurl.com के ऊपर आप जा सकते हैं, किसी भी URL शॉर्टनर वाली वेबसाइट के ऊपर जाके अपने इस लिंक को आपने शॉर्ट कर लेना है। मैं यहां पे bitly.com के ऊपर आ चुका हूं। क्रिएट न्यू के इस बटन को क्लिक करेंगे, लिंक के बटन को क्लिक करेंगे, यहां पे इस बॉक्स के अंदर आपने अपना वो एफिलिएट लिंक यहां पे पेस्ट कर देना है, और उसके बाद यहां पे नीचे क्रिएट के इस बटन को क्लिक करेंगे। ये देखिए, यहां पे हमारा लिंक जो है वो क्रिएट हो चुका है। आप कॉपी के इस बटन को क्लिक करेंगे, अपना शॉर्ट किया हुआ एफिलिएट लिंक आपने कॉपी कर लेना, और यहां पे class.org के ऊपर जहां पे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने इसको लाके पेस्ट कर देना है। अब यहां पे आपको एक चीज वाजे तौर पे बता दूं कि यहां पे लिंक्स जो हैं वो अगर आप लगाते हैं इस तरह तो वो क्लिकेबल नहीं होते। उसके लिए आपको दो जबरदस्त तरीकेकार बताऊंगा जिनको आप अगर यूज करते हैं और अप्लाई करते हैं तो आपको यहां पे लिंक को क्लिकेबल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप यहां पे देखें, यहां पे मैंने इसी वेबसाइट की class.org की एक एड ओपन की हुई है। यहां पे देखें, इस एड के अंदर जो है तकरीबन 15,000 व्यूज हैं इस एड के। ये देखें, यहां पे इन्होंने अपना नंबर भी दिया हुआ है
और उसके अलावा अपनी वेबसाइट का एड्रेस भी दिया हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये एड्रेस क्लिकेबल नहीं है, यानी कि यहाँ पे लिंक लगाने से क्लिकेबल नहीं होता। इसका अब हल सुन लें, हल क्या करना पड़ेगा आपको, जिसके लिए आप यहाँ पे अपने इस लिंक के नीचे एक छोटी सी लाइन लिखेंगे। लाइन क्या है, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट लिंक टू योर ब्राउजर, कि आपने अगले बंदे को बता दिया है कि इस लिंक को आपने कॉपी और पेस्ट करना है अपने ब्राउजर के अंदर, तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं। और उसके अलावा जो दूसरा जबरदस्त तरीका है कि आपको यहां पे नीचे लिखना है और कॉन्टेक्ट अस एट, आगे आपने अपना ईमेल एड्रेस लिख देना है और आपको ईमेल्स भी आएंगी, आपको रिप्लाई भी नहीं करना, ऑटोमेटिकली सारा सिस्टम आपके जीमेल के अंदर बनाना आपको सिखाऊंगा, जो मैं अपनी सबका वीडियो के अंदर भी आपको बता चुका हूं, लेकिन आज की इस वीडियो के लिए भी दोबारा मैं आपको बता देता हूं कि आपको अपने लिए एक नया जीमेल का अकाउंट बना लेना है जो आप इसी काम के लिए यूज करेंगे। अपना नया जीमेल का अकाउंट बनाने के बाद जब आप यहां पे जीमेल के अपने अकाउंट के अंदर आएंगे तो ये देखें जहां से आप मेल्स वगैरह आपको आती हैं और आप मेल्स जो है सेंड कर सकते हैं। यहां पे इसी विंडोज के अंदर आपके पास ये देखें सबसे ऊपर सेटिंग का ये बटन होता है, आपने इसको क्लिक कर देना है। उसके बाद सी ऑल सेटिंग्स वाला ये बटन है, आपने इसको सिंपली क्लिक करना है तो आपके पास आपके ईमेल की तमाम जो सेटिंग्स हैं वो ओपन हो जाएंगी। यहां पे आपने स्क्रॉल डाउन करना है और सबसे एंड में आ जाना है। यहां पे आपके पास एक ऑप्शन होता है वेकेशन रिस्पोंडर, ठीक है। यहां पे ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है सेंड एन ऑटोमेटिक रिप्लाई टू इनकमिंग ईमेल्स, यानी कि आपने अगर इस सेटिंग को ऑन कर दिया तो आपको अगले बंदे के ईमेल के आंसर देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जीमेल की ये सेटिंग जो है ये खुद ब खुद अगले बंदे को मेल सेंड कर देगी, आप जो मेल यहां पे सेट करेंगे वो मेल ऑटोमेटिकली अगले बंदे को चली जाएगी। देखिए यहां पे ऑटो रिस्पोंडर के अंदर आप यहां पे अपना सब्जेक्ट और अपनी मुकम्मल ईमेल लिखेंगे जो अगले बंदे को ऑटोमेटिकली डिलीवर होगी। अब यहां पे आपने सब्जेक्ट और ईमेल कौन सी लिखनी है, आपने सिंपली ये देखें जो आप class.org के ऊपर अपनी टाइटल और ईमेल लिखी थी आपने वही सेम टू सेम आपने सेटअप यहां पे जीमेल के अंदर आके भी बनाना है, यानी कि आपने जो एड वहां पे class.org के ऊपर लगानी है यहां पे भी आपको वही मुकम्मल एड अपनी जो है सेटअप कर लेनी है। सिंपली आप ये देखें यहां से अपने class.org से जो आपने टाइटल लिखा था इसको आपने यहां से कॉपी कर लेना है, आप दोबारा जीमेल के अंदर आए, ये देखें यहां पे सब्जेक्ट वाली इस जगह के ऊपर आपने अपना टाइटल पेस्ट कर देना है और उसके बाद यहां पे नीचे आपने ईमेल लिखनी है, जिसके लिए आप दोबारा class.org के ऊपर जाएं जहां पे आप अपनी एड बना रहे थे, वहां से आप डिस्क्रिप्शन के अंदर ये देखें जो आपने ईमेल यहां पे पेस्ट की थी उसको आपने यहां से कॉपी कर लेना है। दोबारा जीमेल के अंदर आए, ये देखें यहां पे आपको ईमेल वाली इस जगह के ऊपर अपना वही सारी की सारी ईमेल यहां पे पेस्ट कर देनी है। अब यहां पे आपने कुछ चेंजिंग्स करनी है, यहां पे जीमेल के अंदर मेल बनाते हुए आपने क्या चेंजिंग करनी है, एक तो आपने अपना यहां से सबसे नीचे से ईमेल एड्रेस हटा देना है, उसके बाद आपने यहां से अपना लिंक भी हटा देना है। यहां पे हमने क्लिकेबल लिंक बनाना है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे हम कुछ अमेंडमेंट करेंगे, यहां पे हम लिखेंगे क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर जॉब, ठीक है। ये लिखने के बाद क्लिक हियर वाला ये जो वर्ड है आपने इसको यहां से सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद ये देखिए ऑप्शंस के अंदर ऊपर यहां पे ये लिंक वाला बटन है, आपने इसको क्लिक करना है, आपके पास ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। क्लिक हियर वाले इन वर्ड्स के साथ आप अपना एफिलिएट लिंक अटैच कर देंगे, जिसके लिए आप ये देखें दोबारा आएंगे bit.ly.com के ऊपर, अपना शॉर्ट लिंक जो आपने किया हुआ था उसको आप यहां पे इस बॉक्स के अंदर पेस्ट कर देंगे और आप ओके कर देंगे। देखें आप देख सकते हैं कि क्लिक हियर वाली ये जो आपके पास दो वर्ड्स हैं ये आपके क्लिकेबल हो चुके हैं। उसके बाद आपने सिंपली यहां से नीचे से सेव चेंजेस के इस बटन को क्लिक कर देना है, जिसके बाद ये देखें एक येलो कलर की पट्टी आपके यहां पे इनबॉक्स के अंदर आ जाएगी। इस पट्टी के ऊपर आपका टाइटल लिखा हुआ है और यहां पे ये जाहिर कर रही है कि आपने वेकेशन रिस्पोंडर को ऑन किया हुआ है और आपकी ये ईमेल अगले बंदे को जाएगी। अब यहां पे इस सारे के सारे सेटअप का क्या मकसद है ये देखें, यहां पे class.org के ऊपर अगर कोई बंदा ऑनलाइन जॉब्स ढूंढता आपकी एड तक पहुंचता है तो वो यहां पे आके देखेगा कि इस लिंक के ऊपर जो है मुझे जाना पड़ेगा और वो यहां पे देखेगा कि ये लिंक क्लिकेबल नहीं है, तो वो डेफिनेटली क्या करेगा, यहां पे इस नीचे इस लाइन को पढ़ेगा जस्ट कॉपी एंड पेस्ट लिंक टू योर ब्राउजर। यहां से इस लिंक को कॉपी करके अगर वो बंदा यहां पे ब्राउजर के एड्रेस बार के अंदर यहां लाके पेस्ट करता है तो वो बंदा सीधा यहां पे इस वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाएगा और स्टार्ट नाउ के इस बटन को क्लिक करके यहां रजिस्टर करता है तो आपको जो है $11 जो है आपके Digistore24 के अकाउंट में आ जाएंगे। अगर वो बंदा यहां से कॉपी पेस्ट नहीं करता इस लिंक को तो वो सिंपली यहां पे नीचे देखेगा कि यहां पे लिखा हुआ है कि मुझे इस ईमेल एड्रेस के ऊपर कॉन्टैक्ट करो, तो वो डेफिनेटली आपके इस ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको मेल करेगा। अब ये वही ईमेल एड्रेस होगा जिसके ऊपर आपने ऑटो रिस्पोंडर ऑन किया हुआ है, जब वो आपको मेल करेगा तो ये देखें आपके जीमेल के अंदर आपने ये सारे का सारा जो है अपना सेटअप किया हुआ है, उस बंदे को यही सब्जेक्ट और
और ये ईमेल जो है उस बंदे को चली जाएगी ऑटोमेटिकली, और वो बंदा जो है यहाँ पे आपकी इस ईमेल को जब ओपन करके यहाँ पे क्लिक हियर वाले इस बटन को क्लिक करेगा तो भी वो बंदा सीधा यहाँ पे इसी वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा, और यहाँ से अगर वो स्टार्ट नाउ के बटन को क्लिक करके इनकी इस प्रोडक्ट को परचेज करता है तो आपको $11.61 जो है एक सेल के ऊपर मिलेंगे, जो कि आपको आपके बैंक अकाउंट के अंदर इजीली मिल सके। अब आपको बताता हूं कि आपने इस एड को मजीद फर्दर कैसे मुकम्मल करना है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे देखें डिस्क्रिप्शन के बाद नीचे ऐड पिक्चर वाली ये ऑप्शन मौजूद है। अब यहाँ पे आपको एक पिक्चर लाजमी लगानी है। क्यों लगानी है? क्योंकि आप ये देखें यहाँ पे class.org के ऊपर लोगों की हमने एड्स ओपन कर ली है। देखें यहाँ पे इस ऐड के साथ भी पिक्चर है, बहुत ज़बरदस्त लग रही है, इस ऐड के साथ भी पिक्चर है, लेकिन ये देखें ये ऐड जो है यहाँ पे उसने पिक्चर नहीं लगाई तो कितनी अजीब सी लग रही है ये ऐड, यानी कि बिल्कुल इंगेजिंग नहीं है। इसलिए आपको अपनी ऐड के साथ पिक्चर लाजमी लगानी है, जिसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि देखें प्रोडक्ट की जो इमेज है यहाँ पे ये छोटी सी, इस इमेज को ही यहाँ से आपने राइट क्लिक कर लेना है और यहाँ पे सेव इमेज एज के इस बटन को क्लिक करें। अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो आप अपनी इसी इमेज के ऊपर टैप करके रखेंगे, दबा के रखेंगे तो आपके पास ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। सेव इमेज एज के ऑप्शन को क्लिक करके आपने इस इमेज को अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर लेना है। ये देखें class.org के ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पे ऐड पिक्चर वाले इस बटन को क्लिक करेंगे और अपनी वही डाउनलोड की हुई पिक्चर आपने यहाँ पे लगा देनी है। उसके बाद आप यहां पे एक प्रॉब्लम आ जाता है, वो ये है कि यहां पे लोकेशन सेलेक्ट करने की कोई जगह नहीं, लेकिन लोकेशन लिखने की जगह मौजूद है। लोकेशंस आप कैसे मालूम करेंगे, उसके लिए आपको एक जबरदस्त शॉर्टकट बताता हूं। आपको सिंपली गूगल के ऊपर आ जाना है, यहां पे आके आपने लिखना है ब्रिटानिका, ठीक है, ये इसके स्पेलिंग्स हैं आप देख सकते हैं। आपने ये लिख के जब एंटर करना है तो आपके सामने ये जो पहली वेबसाइट आ रही है आपने इसको ओपन कर लेना है। आप यहाँ इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पे इस वेबसाइट की सर्च बार के अंदर आपको यहाँ पे लिखना है USA पॉपुलेटेड एरियाज। ये लिखने के बाद जब आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो ये देखें यहाँ पे बहुत से रिजल्ट आ गए हैं। जो पहला ही रिजल्ट है लिस्ट ऑफ लार्जेस्ट US सिटीज बाई पॉपुलेशन, ठीक है, आपने इसी लिंक को क्लिक कर लेना है। आप यहाँ पे इस पेज के ऊपर आ जाएंगे, ये देखें यहाँ पे मुकम्मल लिस्ट मौजूद है पॉपुलेशन के हिसाब से कि कौन सी सिटी जो है यूएसए की उसके अंदर कितनी पॉपुलेशन है। यहां सबसे ऊपर न्यूयॉर्क है, लॉस एंजलस है, शिकागो है, ह्यूस्टन है, यानी कि आप किसी भी एरिया को यहां से कॉपी कर सकते हैं और आप वहां पे class.org के अंदर अपना एरिया लिख सकते हैं जाके कि हमें यहां पे ऐड पोस्ट करनी है। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए शिकागो को हमने यहां से कॉपी कर लिया, class.org के अंदर आके देखें हमने यहां पे लोकेशन वाली जगह शिकागो को पेस्ट किया तो आप देख सकते हैं कि शिकागो के अंदर से भी मजीद शिकागो के छोटे छोटे टाउन आपके सामने आ गए। आप यहां से किसी भी टाउन को सिलेक्ट करेंगे तो वहां पर वो एड पोस्ट होगी। आपको एक ही एड पोस्ट नहीं करनी, यही एड आपको मुख्तलिफ एरियाज अंदर पोस्ट करते जाना है यहां इसी वेबसाइट के ऊपर। यानी कि आप यहां से शिकागो को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके अलावा जितनी भी उस वेबसाइट के ऊपर स्टेट्स लिखी हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स की, सबके अंदर इसी एक ऐड को आपने यहां पे लोकेशन बदलते जाना है और आपने इसी एक ऐड को यहां पे कई दफा पोस्ट कर देना है। शिकागो का कोई भी एरिया यहां से सिलेक्ट कर लेते हैं। लोकेशन सिलेक्ट करने के बाद आपके पास नीचे प्राइस वाली जगह है, प्राइस आपने छोड़ देनी, आपने प्राइस बिल्कुल नहीं यहां लिखनी। उसके बाद आपके पास देखें कैटेगरी वाला ऑप्शन है, आपने कैटेगरी वाले इस ऑप्शन को क्लिक करके यहां से कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आपको कैटेगरी की समझ नहीं आ रही तो आपने ये देखे ऑटो सिलेक्टेड ही लिखा हुआ है और आपने इसी तरह ही इसको लिखा रहने देना, आपने कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करनी। उसके बाद आपने सिंपली सेव वाले इस रेड बटन को क्लिक कर देना है और ये देखे यहां पे आपकी एड पोस्ट हो चुकी है और स्टेटस जो है वो एक्टिव का आ रहा है और आपकी एड इसी तरह इन लाखों एड्स के अंदर लोगों को शो होने लग जाएंगी। और अगर कोई बंदा आपकी इस एड को ओपन करके आपके इस सारे के सारे सेटअप के अंदर से गुजरता है तो आपको उसका कमीशन लाजमी मिलेगा। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग ना करना चाहें और आप सीपीए मार्केटिंग करना चाहें इसी तरीकाकार के जरिए, तो आप क्या करेंगे कि आप सीपीए ग्रिप के ऊपर या सीपीए लीड के ऊपर किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाके कोई भी ऑफर सेलेक्ट कर लें। वो ऑफर जिस कंट्री के लिए होगी आपको यहां पे आके उसी कंट्री को यहां पे सिलेक्ट करना है, उसी लोकेशन को सिलेक्ट करना है, class.org के ऊपर आके अपनी ऑफर का जो है सीपीए का लिंक यहां पे एफिलिएट लिंक की जगह लगा सकते हैं और इसी तरह सारे का सारा सेटअप करके सीपीए ऑफर्स को भी प्रमोट कर सकते हैं। सारे का सारा तरीकाकार इजी था। अगर आपको किसी भी चीज की समझ नहीं आई तो आपने कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके मुझसे पूछ लेना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक भी लाजमी करना है और वीडियो को शेयर भी लाजमी करना है। मेरी सपोर्ट और अपने इल्म में इजाफे के लिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि आपकी और मेरी मुलाकात होती रहे और आप ऑनलाइन अर्निंग के नए नए तरीकाकार सीखते रहें। दिस इज समीर रमजान एंड यू आर वॉचिंग द रेडियो टीवी।